हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मोबाइल पे या पीसी पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप ओल्ड यूज़र होंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम पहले एक्सटेंशन का यूज़ करके ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते थे, एंड जिसकी वजह से मोबाइल पे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती थी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले जो भी मैंने वीडियो डाली थी, ये उस वीडियो का अपडेट है, ओनली फॉर फायर्स के लिए। आप इस चीज़ को अपस्टॉक या जरोधा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या करना है, एंड थोड़ी सी चेंजिंग इन फ्यूचर हम करने वाले 1-2 दिन में, जिससे कि आपको और ईजी हो जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं फायर्स पे, एल्गो ट्रेडिंग मोबाइल पे या पीसी पे कैसे करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पीसी पे बताने वाला हूँ। सेम ये चीज़ आप मोबाइल पे करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, आप इजीली कर पाएंगे। बट अभी के लिए मैं ये चीज़ें पीसी पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाना है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको आपका अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा, जो इस तरीके का होगा। तो जो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये आपका इस तरीके का एक डैशबोर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको गेट मेंबरशिप लेनी है। ये बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका मेंबरशिप का पेज खुल जाएगा, जिससे आप मेंबरशिप गेट कर सकते हैं। उसके बाद एपीआई क्रेडेंशियल में जाना है, और आपको अपनी एपीआई ऐड करनी है जिस भी एक्सचेंज पे आप काम करते हैं। तो आपको अपनी एपीआई ऐड कर देनी है। तो अभी तो मैंने एपीआई ऐड नहीं करी, मतलब मैंने पहले से एपीआई ऐड कर रखी है तो मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट आपको एपीआई ऐड कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले हम एक्सटेंशन से बॉट को कनेक्ट करते थे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर देख सकते हैं एक्सटेंशन कुछ नहीं है। आपको एक्सचेंज के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप एक्सचेंज के ऑप्शन पर जाएंगे, और अगर आप पैड मेंबर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आप चाहो तो 1 बाय 1 तीनों को ऐड कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, मैं अभी आप फायर्स के लिए बना रहा हूँ, तो आपको फायर्स के इस पर क्लिक करना है। जैसे आप फायर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको अपनी डिटेल वगैरह फिलअप करनी है। तो मैं अपनी डिटेल फिलअप कर देता हूँ इसके अंदर, एंड जैसे मैं फिलअप करता हूँ, उसके बाद ये पेज ऑटोमेटिक अनडिफाइंड करके हाइड हो जाएगा। हाइड मतलब ब्लैंक हो जाएगा, एंड इट्स मीन होगा कि हमारी एपीआई हमारे एक्सचेंज से कनेक्ट हो गई है। सेम थिंग आपको मोबाइल पे भी करनी है, सेम थिंग आपको पीसी पे भी करनी है। ये देख लीजिए, ब्लैंक हो गया पेज, इट्स मीन आपकी जो एपीआई है वो कनेक्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसे आपको बंद कर देना है। ये हमने पेज बंद कर दिया, एंड मैंने काफी सारी टैब खोल रखी है, वो इसलिए कि मैं सोच रहा था सभी की एक ही वीडियो बना दूं, पर मैं 1 बाय 1 करके बनाऊंगा। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद हम इसे बंद भी कर सकते हैं। हमारे को इस वेबसाइट की जरूरत भी नहीं है, जो हमारी वेबसाइट है नेक्स्ट लेवल बोर्ड। अभी बस हमारे को जरूरत है हमारे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट की, जो कि ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। इसके बारे में भी बता दूं, इसका आप एवरी मंथ ट्रायल ले सकते हैं, तो आपको ये फ्री पड़ेगा। आपके पास कार्ड होना चाहिए, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, वर्चुअल कार्ड बना के आप एवरी मंथ ट्रायल ले सकते हैं न्यू न्यू मेल आईडी से। अदरवाइज आपसे ये भी नहीं हो पा रहा, तो आपको मैं एक बंदे का नंबर दूंगा, आपको उसको 100 रुपीज देने, वो अपने कार्ड से आपको ट्रायल लेके दे देगा। बस आपको उसको एक न्यू मेल आईडी और पासवर्ड देना होता है हर महीने, वो अपने आप आपको 100 रुपीज में ट्रायल लेके प्रोवाइड करा देगा। डिपेंड आप पे करता है, आप खुद लेना चाहते हैं तो आपके 100 रुपीज बच जाएंगे, अगर आप उससे करवाना चाहते हैं तो आपका 100 रुपीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड फिर आपको पता है फायर्स तो एपीआई फ्री देता है, तो 500 रुपए में आपका बोर्ड चल रहा है। अगर उससे आप ट्रेडिंग व्यू लेते हो तो 600 रुपए में चल रहा है। अब क्या करना है, अब हम आपको मतलब आप अब ये सारी चीजें कर ली, तो पहले क्या था, हम कोड को है ना कॉपी करते थे एक्सचेंज से या अपनी वेबसाइट से। तो इसका कोड अभी हमने इन दोनों जगह पे अपडेट नहीं करा, 1-2 दिन में ऐड कर देंगे, जिससे आपको खाली वैल्यू डालने पे आपका कोड जनरेट हो जाएगा। बट अभी के लिए पूरा कोड इस तरीके का, इस पेज का लिंक हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, और इसमें से प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम में आप जैसे ही मैसेज करेंगे ग्रुप के अंदर, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आपको क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो पेज के लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ सारे कोड है, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर वगैरह वगैरह, और मैं डेमो भी दिखाऊंगा आपको। आपको बस यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है। बाय डिफॉल्ट इस कोड के अंदर हमने जो स्क्रिप्ट लिए वो एनटीपीसी लिए, और स्टॉक का जो साइज लिया वो 1 स्टॉक लिया है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड अपने इस अकाउंट पर जाना है। अब मैं इसमें यहाँ कोई भी इंडिकेटर ऐड कर सकता था, बट मैं अगर इंडिकेटर पे आपको ऑटोमेशन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा तो आपको पता है बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रिगर कराऊंगा। एंड वो इसका कारण यही है कि अगर मैं इससे ट्रिगर नहीं कराऊंगा तो फिर मेरे को टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैंने है ना, नेक्स्ट लेवल बोर्ड को बंद तो कर दिया, पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तो नेक्स्ट लेवल बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। जब आप एक्सचेंज को कनेक्ट कर लेते हो उसके बाद की प्रोसेस तो मैं बताना ही भूल गया, तो फिर से मेरे को ओपन करना पड़ रहा है। मैं ओपन करा एंड डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है, आपको यहां पर एक यूआरएल मिलेगा जिसका नाम है वेबहुक यूआरएल। आपको इसको कॉपी कर लेना है, सबका अपना अपना यूनिक यूआरएल है।
कॉपी करने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे आना है एंड अलर्ट्स पे क्लिक करना, जिस पे भी आप अलर्ट्स देंगे, तो मैं इस पे अलर्ट दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट। अब वन टाइम आपको क्या करना है, जब आप इस एज अ डिफॉल्ट आएंगे तो यहाँ पर कोई क्लिक नहीं होगा, आपको इस पे वन टाइम क्लिक करना है और यहाँ पर यूआरएल डाल देना है। उसके बाद जितने भी आप अलर्ट दोगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये यूआरएल आपको शो होगा, तो आपको बस ये क्लिक करके डाल देना। उसके बाद ये सेंटेक्स बॉक्स है, इस पर पूरा एम्प्टी कर देना है, यहाँ कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, हम एज अ रेफरेंस बाय सेल लिख देते थे, अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। तो आपको उसका पूरा एम्प्टी कर देना है एंड उसके बाद हम चलते हैं अपने फायर्स के कोड पे। हमने लिमिट ऑर्डर का पहले कोड कॉपी कर लिया है एंड हम इस कोड को यहाँ पर डाल देते हैं। इसे पेस्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक अलर्ट्स बन जाएगा, ये क्रिएट हो गया है एंड ये दो क्रिएट हो गए, एक पहले से मैंने बना रखा था, एक को डिलीट मार देता हूँ मैं। तो एक सेकंड वेट करते हैं, डिलीट हुआ है नहीं हुआ, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है आई थिंक, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रहा। एक बार मैं इसे क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, आई थिंक फिर डिलीट हो जाएगा। मैं मल्टी अलर्ट्स इसलिए नहीं दिखा रहा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर डिलीट नहीं हुआ तो फिर देखते हैं उसी को रहने देंगे। हाँ, अब यहाँ पर नहीं शो हो रहा, तो हमने एक अलर्ट्स बना लिया जैसे आप जानते हो चार्ट पे। अब हमको क्या करना है, इसे टिगर कराना है। अगर मैं इसे टिगर नहीं कराऊंगा तो जैसे ही कैंडल अपने आप यहाँ पर टच होगी मेरा ऑर्डर लग जाएगा, पर मैं ये थोड़ी चाहता हूँ, मेरे को फिर बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, तो मैं जानबूझ के टिगर कराता हूँ। उससे पहले मैं अपने फायर्स के अकाउंट को लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ काफ़ी सारे ऑर्डर लगे हुए, इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं वन बाय वन करके इन्हें रिमूव कर रहा हूँ एंड वर्किंग ऑर्डर के अंदर अब, हाँ अब आप देख सकते हैं वन बाय वन करके मैंने रिमूव तो कर दी, ये ऑर्डर नहीं हो रहा, हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं है, जीरो पोजीशन है, जीरो ऑर्डर है, वर्किंग ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो आपके सामने मैं उस चीज़ को टिगर कराने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है, मतलब आप जिस पे आपका जैसे ऑर्डर टिगर होगा वैसे आपका ऑर्डर वहाँ पर लग जाएगा, वो मोबाइल से हो पीसी से हो। तो आप देख सकते हो यहाँ अलर्ट्स आया, हम चलते हैं फायर्स के अकाउंट पर एंड फायर्स के अकाउंट में देखते हैं हमारा ऑर्डर आया नहीं आया। तो अभी तक तो हमें ऑर्डर आता हुआ नहीं दिख रहा, वो इसका कारण ये हो सकता है ऑर्डर आ गया है। इस फायर्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, कई बार ये ज़्यादा देर तक ओपन रहती है तो रिफ्रेश नहीं होती, ऑटो रिफ्रेश नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश मार देता हूँ जिससे कि ये ऑर्डर जो आया है आपको दिख जाए, उसके बाद जो भी ऑर्डर आए वो ऑटो रिफ्रेश हो जाए। तो मैंने हार्ड रिफ्रेश मारा तो आप देख सकते हो ऑर्डर दिख गया। ये इसलिए दिखा है क्योंकि हार्ड रिफ्रेश का मैं बता दूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका ऑर्डर लग गया है पर आपको साइट दिखा नहीं रही, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर दबाएंगे तो आपको आपका ऑर्डर दिख जाएगा एंड दोबारा जो भी ऑर्डर आएगा तो आपको वैसे दिख जाएगा, ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा दिखा देता हूं, मैं दोबारा से अलर्ट्स करवाता हूं। मैंने इस अलर्ट्स को लिया एंड दोबारा से टिगर कराया क्योंकि पहले वाले में तो हम देख ही नहीं पाए। तो ये फायर्स की प्रॉब्लम है मोस्टली, ऐसा मैंने आप स्टॉक पे तो बिल्कुल भी नहीं देखा और जरोधा पे बहुत रेयर देखा है, पर फायर्स पे ये चीज़ मैं देखता रहता हूँ। इनकी जो कुकीज़ वगैरह वो ऑटो क्लियर नहीं होती, पता नहीं क्या इश्यू है वगैरह वगैरह। तो अभी हम देखते हैं, इसे टिगर कराते हैं, तो वेट करते हैं जैसे अलर्ट्स आएगा, आपको पता है यहाँ पर अलर्ट्स आएगा जो भी अलर्ट्स आना होगा। तो हम वेट करते हैं, ये अलर्ट्स आया, अब हम गए फायर्स पे एंड हम देखते हैं ऑटो अपडेट ऑर्डर आ रहा है या हमें अपडेट करना पड़ेगा। ये ऑटो अपडेट आ गया, देखा ना कैसे आया, क्योंकि हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट आर दबा दिया था, वो ऑटो अपडेट होता रहेगा। ये प्रॉब्लम काफी लोगों को आ रही थी फायर्स पे, तो इसका ये जो अल्टरनेटिव है यही है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑर्डर लगाने तो आपको एक्सचेंज की भी जरूरत नहीं, आप एक्सचेंज को भी बंद कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है उसे भी बंद कर सकते हैं कनेक्ट करने के बाद। बस जो ट्रेडिंग व्यू है वो ऑन होना चाहिए, वो आपके मोबाइल पे ऑन हो या आपके पीसी में ऑन हो, ये चीज़ आपकी ऑन होनी चाहिए। अदरवाइज आप चाहते हो या आप ऑन नहीं रखना चाहते तो वीपीएस वगैरह का यूज़ कर सकते हो। आगे चल के मैं इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल दूंगा, बट अभी के लिए तो आपको ऑन रखनी पड़ेगा एंड प्लस इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आपका अलर्ट्स हमारे तक नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और आपकी ट्रेडिंग व्यू की टैब कनेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपका ऑर्डर लगेगा। तो मैंने दिखाया आपको ऑर्डर लगा के, लिमिट ऑर्डर मेरा लग गया है। फिर से मैं कोड की तरफ चलता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, कवर ऑर्डर ले लेता हूँ। कवर ऑर्डर में मैं लिमिट ऑर्डर ले लेता हूँ, आपके सामने कवर ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ एंड मैं जाके इसकी स्क्रिप्ट में जो पहले हमने कोड डाला था, क्या कोड डाला था हमने, लिमिट ऑर्डर का कोड डाला था, उसे रिमूव मार के कवर ऑर्डर का कोड डाल दिया। एंड ये कैसे पता चलेगा कवर ऑर्डर है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। ये देखिए जैसे अलर्ट्स आएगा आपको पता है यहाँ पर अलर्ट्स आ जाएगा, आ गया। अब हम गए यहाँ, तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए दो ऑर्डर आए, मतलब दो ऑर्डर इसलिए आए कि कवर ऑर्डर के अंदर एक स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर होता है, आप देख सकते हो यहाँ लिखा है सीओ एंड सीओ।
तो एक जो स्टॉप लॉस है 1 रुपये नीचे, मतलब उसको बोल रखा है कि भाई 123 पे करो और 1 रुपये नीचे उसका स्टॉप लॉस है। तो ये दो ऑर्डर, तो इट्स मीन कि हमारा कवर ऑर्डर भी आ गया। एंड मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल कमांड का यूज करके इसे कैंसिल करता हूँ, वन बाय वन नहीं करता। तो मैंने ये कैंसिल कमांड उठा ली, इसी से एग्जिट भी होता है ऑर्डर। अगर अगर ये कमांड मैं कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर लगाऊं, तो अगर कोई मेरी पोजीशन पहले से है, अगर मैं उसे टारगेट करना चाह रहा हूं, तो ऑटोमेटिक वो एग्जिट हो जाएगी। पर ये कवर और ब्रैकेट ऑर्डर के लिए होगा, अदरवाइज मैं वैसे चलाऊंगा तो जो मेरे ऑर्डर पेंडिंग में, जैसे अभी लगे हुए बीडिंग में लगे हैं, वो कैंसिल होंगे। तो मैं दिखाता हूं, मैंने ये टिगर कराया, टिगर कराऊंगा तो आपको पता है ये अलर्ट्स आएगा, अरे वहां चलते हैं। तो ये चार ऑर्डर है, मतलब है तो तीन ऑर्डर, पर चार शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कवर ऑर्डर है, तो ऑटोमेटिक अभी ये रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने दो गए एंड दो रह रहे हैं, ये भी अभी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसका जो फायर्स का सर्वर है, बहुत ही जो रिस्पांस टाइम है वो थोड़ा सा कम है, उसका कारण यही है आई थिंक। ये एक ऑर्डर क्यों रह गया ये समझ नहीं आया मेरे को, एक बार इसे ऑटो रिफ्रेश करके देख लेते हैं कहीं ये ऑर्डर भी गया हो और हमें ना दिख रहा हो। तो आई थिंक तीन ऑर्डर तो चले गए, पर एक ऑर्डर रह गया वो भी गया। ये देखो रिफ्रेश इशू था ये, और ये फायर्स पे चल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप फिर ही एपीआई यूज करना चाहते हैं तो फायर्स पे ये आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अब एलिस ब्लू लेके आऊंगा इन फ्यूचर, तो बाद में देखते हैं एलिस ब्लू में क्या पंगा है क्या नहीं पंगा। पर फ्री एपीआई का मतलब ये होता है कि आपको सर्वर का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। अगर फायर्स अपने यूजर को बना के रखना चाहती है एपीआई के शुरू काम करें, तो इन फ्यूचर फायर्स इस चीज को एनहेंस और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगी, बट आपको देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर हमारा वैसे वो कैंसिल हो गया था, पर हमें नहीं दिख रहा था। जैसे हमने हार्ड रिफ्रेश करा, हार्ड रिफ्रेश वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, तो हमें दिख गया। तो हमने कवर ऑर्डर भी डाल के देख लिया। अब ब्रैकेट ऑर्डर पे आ जाते हैं हम। तो मैं इधर आया इस पेज पर, मैंने ब्रैकेट ऑर्डर का कोड उठाया, ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, आई थिंक ये रहा ब्रैकेट ऑर्डर। अच्छा पिछली बार क्या था, ब्रैकेट ऑर्डर में मैंने खाली ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट एंड ब्रैकेट ऑर्डर लिमिट बनाया था, इस बार मैंने एसएलएम भी बना दिया, एसएलओ भी बना दिया। तो काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें वो भी चाहिए, तो उनके लिए ये ऑर्डर बना दिया है। अब आप एसएलएम ऑर्डर और एसएल ऑर्डर यूज कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है तो। एंड मैं फिर से एक ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहा हूं आपके सामने, मैंने इस कोड कैंसिल कोड को कैंसिल करा एंड यहां पर लगाया। एंड वेट करते हैं हम इसका ये टिगर का, तो टिगर हुआ हमारा, हम फायर्स पे गए और वेट करते हैं ऑर्डर आने का। तो देखते हैं ऑर्डर आता है नहीं आता। हाँ ऑर्डर तो आ गया है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है बीओ, तो ब्रैकेट ऑर्डर आ गया, इट्स मीन वर्किंग। तो मैंने दिखा दिया, इसी तरीके से आपको मोबाइल पे भी करना है, किसी भी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ पर अभी आपको जो 1-2 दिन तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो कोडिंग इसी तरीके से कॉपी करके एडिट करनी पड़ेगी। सपोज मानो ये आप अगर NTPC पे नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पर आपको NTPC के बदले यस बैंक लिखना होता है। क्वांटिटी आपको 1000 चाहिए तो आपको यहाँ 1000 लिखना होता। SL आपको 1 रुपये 2 रुपये का चाहिए वो लिखना होता। तो ये चीज़ें अभी आपको मैनुअल एडिट करनी पड़ेगी, जो कि मैं 1-2 दिन के अंदर इसका पेज बना दूंगा, जैसे कि पहले भी मैंने बनाया था। मैं एक बार दिखा देता हूं, हमने कुछ एक पेज बनाया था, इस सेंटेक्स पेज पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पे क्लिक करते थे तो ऑटोमेटिक वैल्यू आप जो भी डालते थे ऑटोमेटिक कोड जनरेट होकर आ जाता था। लाइक इस तरीके से जरोधा पे क्लिक करा, कौन सा हम बाय करना चाहते हैं रेगुलर, कौन सा सिंबल है, तो मैंने जैसे SBI करा तो SBI शो हो गया, तो मैंने SBI सेलेक्ट कर दिया। क्या किस में करना चाहते हैं NSE, क्वांटिटी कितनी लेना चाहते हैं, 10 लेना चाहता हूँ, बाय करना चाहते हैं सेल, ये हो गया मार्केट। इसी तरीके से हम सिलेक्शन करते थे एंड जनरेट कोड करते थे, कोड ऑटोमेटिक आ जाता था एंड हमें इसे यूं कॉपी नहीं करना पड़ता था, हमें बस वन टाइप क्लिक करना पड़ता था, ये कॉपी हो जाता था और हम पेस्ट कर देते थे। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बना के दे दूंगा, पर अभी के लिए 1-2 दिन मेरे को इस चीज़ में लगेंगे। अभी आपको इसी पेज का यूज़ करना पड़ेगा, पेज का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, अदरवाइज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एंड इसे कॉपी कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया कि आपके ऑर्डर वगैरह कैसे जाएंगे फायर्स पे। एंड इसी तरीके से मैंने फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप फायर्स पे मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए गुड न्यूज होगी। और भी ज्यादा हम इन चीज को एनहेंस करने में लगे हुए हैं, अब जब लोग काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से बग्स वगैरह आ रहे हैं, उन चीजों को भी फिक्स करेंगे। एंड आगे चल के ये 100% जो होता है वो फुल्ली मतलब ऐसा हो जाएगा कि कहीं भी आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा और आप इजीली ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।